वेलकम टू डिवाइन केयर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और आपको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट भी बताऊंगी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सिंपल भी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या हेयर फॉल। ऑल दो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे स्कैल्प से बालों का झड़ना, बालों का टूटना। यहाँ एक सिंपल सी चीज़ हम समझें कि अगर 50 से 100 बाल हर दिन हमारे टूट रहे हैं तो मेडिकली कहा जाता है कि ये एकदम नॉर्मल फिनोमेना है इतने बालों का टूटना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टूट रहे हैं और हम जब भी अपने बालों पे हाथ लगा रहे हैं पूरे पूरे बाल हमारे निकलते चले जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हेयर फॉल हो रहा है या एक इम्बैलेंस है। ये हेयर फॉल आजकल सभी में देखने को मिल रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब हम बात करेंगे कारणों की। तो कारणों में सबसे पहली चीज़ आती है हेरिडिटी, कि जो हमारी फैमिली के पैटर्न हैं बालों के वही आगे चलते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ पोल्यूशन, कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उसकी वजह से भी हमारे बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। एक और चीज़ कि बालों पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो हार्श शैम्पूज़ यूज़ हो रहे हैं, जेल यूज़ हो रहे हैं, या कलरिंग हो रही है, स्टाइलिंग हो रही है, इन सब की वजह से भी हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। इसके साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हेयर फॉल होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली हम फीमेल्स की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद भी हेयर फॉल देखने को मिलता है, मेनोपॉज के बाद भी मिलता है। तो फीमेल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हुई। और जब हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो बॉयज़ में एक उनकी हेरिडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जो मैंने आपसे बात की कि स्टाइलिंग और केमिकल की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ या हेयर केयर की, कि हम कैसे केयर करें। सबसे पहली चीज़ कि हम अपने बालों की हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि हमें बालों में ऑयलिंग या तेल रेगुलर लगाना चाहिए, कुछ देर तेल लगा रहने दें बालों में, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, और उसके बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करें। साथ में हम हेल्दी फूड लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, अपने को हाइड्रेट रखें, साथ में अपने स्ट्रेस को भी हम मिनिमाइज़ करें, मतलब कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएं। एक और चीज़ हम होम रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं, अनियन का जूस, मतलब प्याज का जो रस होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की, जो कि मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। ये हमें करना है अपनी दोनों रिंग फिंगर्स पर, राइट, रिंग फिंगर्स के मिडल जॉइंट पर, बीच वाले जॉइंट पर। मैं आपको बताती हूँ कि हमें मैग्नेट कैसे लगानी है। सबसे पहले हम 3 मैग्नेट्स को इस तरह से एक टेप पर लगा लेंगे, राइट, कि जो हमारी स्किन पे टच करेगा वो कलर मैं आपको बता रही हूँ। बीच में हम लगाएंगे येलो कलर और दोनों तरफ लगाएंगे उससे बिल्कुल मिलता हुआ वाइट कलर, राइट, आप समझ गए इसको। अब हमें क्या करना है कि हम अपनी जो रिंग फिंगर है उस जॉइंट का बिल्कुल सेंटर ले लेंगे, ये देखिए, राइट, मैंने जो ब्लू पेन से निशान लगाया है, हम इस सेंटर को लेने के बाद ये जो टेप मैंने आपको दिखाई थी, जो सेंटर वाली मैग्नेट है उसको उस निशान पर रखकर और टेप लगा देंगे। कैसे, मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, राइट, आगे हमें ऐसे लगानी है पाम की साइड। अब 3 मैग्नेट हमें इसी जॉइंट पे पीछे की तरफ लगानी है। आप इस ट्रीटमेंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि हेयर फॉल के लिए मुझे कोई भी बहुत इफ़ेक्टिव सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ। अब आप एक टेप पर 3 मैग्नेट इस तरह से लगाइए कि बीच में जो हमारी स्किन पे टच करेगी वो वाइट होगी,
एंड एक एक मैग्नेट का स्पेस छोड़ दीजिए बीच में, एक एक मैग्नेट का आप स्पेस छोड़ दीजिए और फिर दो मैग्नेट यहाँ पीली लगा लीजिए। आई थिंक आप क्लियर समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब जो जॉइंट पीछे है, जैसे हमने आगे एक ब्लू निशान बनाया था, मैं आपको पीछे भी लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में मैंने एक ब्लू निशान लगा लिया है, राइट। तो हम इस टेप को, क्योंकि मैं लगा पा रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि हम ये टेप हमने लगा लिया था। अब जो वाइट मैग्नेट दिख रही है हमें, उस सेंटर वाले पार्ट पर हमें वाइट मैग्नेट को इस तरह से रखना है और ये टेप चिपका देना है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप एक बार अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, कहीं रजिस्टर पे कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर लें ताकि आप इसको भूलें ना। जो लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं, मैं उनको ये प्रोटोकॉल बताए दे रही हूँ। हमने यहाँ पर 056 टोन किया है और 129 को सिडेट किया है। आप इसको लिख लें जो लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको ये ट्रीटमेंट लगाना बता दिया है। सेम इसी तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट राइट हैंड की रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट में भी लगाना है। एंड ये ट्रीटमेंट आपको 6-7 महीने तक लगाते चले जाना है, क्योंकि जो हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है वो 1-2 दिन में हैंडल नहीं होगी। हम जब इसको रेगुलर लगाएंगे और साथ में जो आपको मैंने कुछ होम रेमेडीज़ और प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं उन सब पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम हेयर फॉल को रोक पाएंगे। हेयर लॉस की प्रॉब्लम आज अगर हम बात करें तो 99% लोगों को है। आप इसको और लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमने जो मैग्नेट यूज़ की हैं, ये हैं ब्योल मैग्नेट। एक तरफ से ये येलो कलर की होती हैं एंड एक तरफ से वाइट कलर की होती हैं, राइट। तो मैंने आपको सब बता दिया कि कहाँ वाइट कलर स्किन को टच करेगा और कहाँ येलो करेगा। आपके पास अगर ये मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, और अगर नहीं हैं, आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है जिसमें उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिसकी कि हमें ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के दौरान। एक वीडियो भी बनाई है जिसमें उन सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस भी बताया है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। किट आप हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पेज डिवाइन केयर के नाम से फेसबुक पर भी है, आप उसे वहाँ जाकर भी ज़रूर लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।